दोस्तों, आपने करनाल रोड पर बहुत बार सफ़र किया होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इसको करनाल रोड क्यों कहते हैं? और जो देहरादून का हमारा बहुत प्रसिद्ध शहर है करनपुर, तो उसका नाम करनपुर क्यों रखा गया? तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हम चल रहे हैं एक सीक्रेट लोकेशन में, तो वीडियो में बने रहना आप। दोस्तों, अभी हम करनाल रोड पर हैं और आज हम आपको देहरादून की एक सीक्रेट लोकेशन दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर देहरादून का एक ऐतिहासिक खंडर है, स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उस पर देहरादून का इतिहास दबा हुआ है, तो उसको हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, सामने एक पुल नज़र आ रहा होगा आपको, ये नागल पुल है जो राजपुर रोड और नागल सहजधारा को जोड़ रहा है। ये देखिए, उस पुल में रोड होते गाड़ी। हाँ तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अर्जुन भाई। हेलो। तो आज हम आपको एक सीक्रेट लोकेशन दिखाने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर दुकान में आए हम कुछ खाने का सामान लेने। दोस्तों, इस रोड के साथ साथ किनारे पे लगभग 34 किलोमीटर लंबी नहर बनी हुई है, जिसको कनल भी कहते हैं, तो इस कारण इस रोड का नाम कनल रोड रखा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें इस रास्ते पे जाना पड़ेगा। ये रास्ता नदी के साइड में जा रहा है, किनारे। और एक मंदिर भी है यहाँ पर, ये देखिए। ये है महादेव का महाकालेश्वर मंदिर है, और वहीं पर एक ऋषि पन्ना घाट भी है। तो ये सारी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे। उस साइड में ना नदी पार, पुरानी बिल्डिंगें बना के छोड़ी हुई ऐसी। मैं कहाँ को जाते हैं गाड़ी उतार के पानी में। तो जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये वही नदी है रिस्पना वाली, और यहाँ पर पानी बहुत कम है इसका। इस जगह को रिस्पना वैली भी बोलते हैं। तो ये रास्ता जो जा रहा है नदी के किनारे, और ये देखिए बहुत पुराने फ्लैट जैसे बने हुए हैं सामने खंडर। गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं यहाँ, पुरानी खड़ी। ये देखिए एक खंडर, ये भी है, पता नहीं किसका है, ये क्या है। ये एक साइड खंडर है तो एक साइड मंदिर है, और ये पुराना पुल। यार ये रास्ता है, यही होगा। तो रास्ते में हमें एक और खंडर मिला ही है, तो काफ़ी पुराना खंडर है ये, सालों पुराना, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ होगा। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं बहुत पुरानी इमारत, एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, ये 100-150 साल पुराना स्ट्रक्चर है। तो एक ज़माने में यहाँ पर आटा चक्की हुआ करती थी, जिसको घराट भी कहते हैं हम। तो इसके जो बैक साइड में नहर जा रही है, तो उसके पानी से इसको चलाया जाता था। और ये सामने हमारे भाई अर्जुन भाई बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं यहाँ पर घूमने में। और ये सामने मंदिर है,
महाकालेश्वर मंदिर। चलिए चलते हैं हम नीचे की तरफ, दिखाते हैं आपको। और ये वही नहर है पुरानी जो कनाल रोड को जा रही है, लेकिन इस टाइम बहुत सूखी पड़ी है ये। तो ये देखिए क्या लोकेशन है। ओ भाई ये तो भाई पूरा हिल रहा पुल। तो ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। दोस्तों ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सालों पहले ऋषि पन्नाथ जी ने तप किया था, यहाँ पर उनका आश्रम था, तो इसीलिए इस जगह को ऋषि पन्नाथ घाट कहा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और काफ़ी शांति है इस जगह पर। तो अभी हमने यहाँ पर काफ़ी फोटो खिंचाई यहाँ पर, और भाई पुल तो ऐसे हिल रहा था कि बस अब गिरा गिरा। तो चलिए आगे चलते हैं, हम काफ़ी टाइम हो गया हमें यहीं पे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आगे आपको। तो आगे एक बहुत पुराना पुल है, पुल क्या मतलब डैम है वो, रिस्पना डैम। तो अभी हम उसको दिखाते हैं आपको और उसके बारे में बताएंगे कि क्या कहानी है उसकी और किसने बनाया उसको। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों बाकी की वीडियो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो अगली वीडियो काफ़ी जानकारी वाली होने वाली है आपके लिए, और हमारे देहरादून के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी आपको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई रास्ता तो है एकदम बकवास और व्लॉग बनाना है हमें चकास। तो चलो अर्जुन भाई तुम चलाओ, पास में रहिए, हमें चलो।